नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे दोस्तों हम आलू के भाव के बारे में। जितनी मंडियों के आज भाव मिल गए हैं दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो खींचूंगा नहीं, उसका भाव बताऊंगा आप सभी लोगों को। क्योंकि आज कुछ मंडियों में, जैसे जोधपुर बात हुई मेरी, तो वो छुट्टी है, वहाँ पर मंडी में बिक्री होती नहीं है। और फिर पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया में भी हर मंडी में ही सुस्ता सा रहता है थोड़ा सा, क्योंकि सब लोग अपने त्यौहार में मस्त हो जाते हैं। तो वो लोग इतना, जैसे पैकारी वगैरह हैं, वो भी अपना बिक्री के लिए कम जाते हैं। और आज त्यौहार का दिन है तो लोग भी सोचते हैं कि चलो आज अपना घर पर समय बिताया जाए। तो लोगों की बहनें वगैरह आती रहती हैं, तो इसी वजह से आज मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों के लिए चेन्नई मंडी से। तो चेन्नई मंडी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चेन्नई मंडी में आज आलू बिके हैं आगरा के 24 से लेकर 25 रुपए किलो तक। 20 गाड़ी हैं लगभग चेन्नई मंडी में आज, और हसन की 4 गाड़ी हैं, और चारों गाड़ी 28 से लेकर 32 रुपए किलो तक आज आलू बिका है दोस्तों। थोड़ा बहुत आ जाता है आलू खुद के, और ऐसा तो है नहीं है कि नुकसान हुआ है, तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि सारी फसल ही बर्बाद हो गई हो। नुकसान का मतलब होता है कि जितनी फसल में नुकसान हुआ है उसके अलावा भी फसल बची आती है, उसकी वजह से आलू धीरे धीरे करके मंडी में आता रहेगा। जैसे कोलार की लोकल फसल जैसे साउथ की चलती रहती है उस हिसाब से। बाकी दोस्तों, इसमें चिप्स वाला आलू ज़्यादा आ रहा है, और वो सारा चिप्स में जा रहा है, राशन में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आगरा के यूपी के आलू की डिमांड अच्छी बनी हुई है, और उसी के बाद मंडी 24 से लेकर 25 रुपये किलो तक बिक रही है। बात करें बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी भी दोस्तों आज बढ़िया बिकी है। आज बेंगलोर मंडी में ऊँचे में आलू बिके हैं आपके 24 रुपए से लेके 25 रुपए किलो तक, बढ़िया आलू। और दोस्तों, हल्की क्वालिटी के आलू बिके हैं, वही बिके हैं 20 से लेके 21 रुपए किलो तक। जो वीवीआईपी आलू हैं दोस्तों, वो कम मात्रा में पहुंच रहे हैं इस साल, क्योंकि दागी आलू बहुत ज़्यादा है कोल्ड स्टोरों में। इस वजह से वीवीआईपी आलू के अलावा हल्के आलू के रेट बहुत ज़्यादा डाउन इस समय मंडियों में हो जाते हैं। बात करें दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर की, तो दिल्ली आज़ादपुर में भी त्यौहार का असर है। दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में आज आलू अराइवल वही 100 के अंदर आ गई है गाड़ियों की, बैलेंस पकड़ने के बाद वही आलू बिक रहे हैं। कल वाले लगभग भाव है, चंदौसी के चिप्स होना बिक रहे हैं 900 से 1000, आगरा अलीगढ़ के चिप्स होना बिक रहे हैं 800 से 880 900 रुपये तक। चंदौसी का सूर्या बिक रहा है 1150 से 1200 रुपये, 1250 रुपये तक। आगरा अलीगढ़ का सूर्या बिक रहा है 1000 से 1050 रुपये तक। 3797 एक्स्ट्रा सुपर 800 से लेकर 850 रुपये तक, और 3797 हल्की क्वालिटी का 800 से लेकर 850 रुपये। और गुल्ले दोस्तों बिक रहे हैं 800 से लेकर 850 रुपये तक चिप्स होना के, मतलब भाव पुरानी जो स्पीड थी वहाँ लौट के आ रहे हैं। सभी किसान भाइयों से दोस्तों मेरा निवेदन रहेगा कि आलू को अपने को धीरे धीरे करके बेचते रहें। ज़्यादा लंबे चौड़े बहुत ज़्यादा ख्वाब मेरे हिसाब से लोगों को नहीं देखने चाहिए, और अगर देखने भी चाहिए तो एक लिमिटेड अमाउंट थोड़े से आलू पर देखने चाहिए, या पार्ट अपना बना लिया है। जैसे मैंने इस महीने इतना बेच दिया, इस महीने इतना बेच दिया, इस महीने इतना बेच दिया, और इस महीने इतना बेचूंगा। तो मैं नहीं कहता हूं कि आप लोग आलू मत रखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद दोस्तों सबको होती है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए। अगर भाव अगर अच्छे मिल रहे हैं तो आलू को धीरे धीरे करके निकालना चाहिए, इसी में समझदारी है। नहीं तो दोस्तों एक बात मुझे एक बताइए, अगर अभी 1000 रुपये कट्ठा आलू बिकने लगे, आप सपोज़ करो 1000 रुपये कट्ठा ही बिक रहा है, बहुत सी जगहों पर बिक रहा है, जैसे आपकी शमशाबाद फतेहाबाद का आलू आप मानो 1000 रुपये कट्ठा बिक रहा है, खंदौली में भी एक दो सौदाएँ वही 950 1500 1000 ही मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि अगर कोई 10-20-30 रुपये के लिए अपनी सौदा आलू की नहीं बेचता, किसी का मन में जो घर से ठान के आया कि मैं 1000 रुपये कट्ठा बेचूंगा, और उसके आलू के 970 रुपये लग गए, तो बहुत से मैंने ऐसे किसान देखे दोस्तों नहीं बेचते। मेरे एक आलू के 900 लगे, वो 870 रुपये लग गए थे, गुल्ला थोड़ा सा था ज़्यादा उसमें, और मोटा उसमें मिक्स हो गया था, मैं छटाई ढंग से नहीं हो पाई थी उसकी, और 3797 आलू था दोस्तों, 870 लगे, मेरे मन में 900 रुपये की थी, ठीक है ना। और फिर उसके उस दिन मैंने दिखाया तो 850 एक दिन लगे, फिर उसके मतलब 860 रुपये 865 रुपये भी लग गए। अब क्या है दोस्तों कि जितना आलू, अब जैसे मेरे पास मानो आप, तो मैंने ज़्यादातर अपना 70% 75% आलू बेच दिया है, थोड़ा सा आलू रह गया है, तो मैं क्यों अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने शायद 150 रुपये की तेज़ी आए तो तब उसको बेच लूँगा, उम्मीद तो सबको है भाई, डाउन हो गया तो डाउन में बेचना पड़ेगा, उसमें क्या है। बाकी दोस्तों ज़्यादातर आलू काफ़ी मैंने बेच चुके हैं अपने, आप पता कर सकते हैं मैं जहाँ आलू रखता हूँ। 680 रुपये में मैंने गुल्ला बेचा है, 550 में भी बेचा है, 625 में भी बेचा है, 635 रुपये में भी बेचा है, 640 रुपये में भी गुल्ले बेचे हैं, शुरुआत से ही शुरू कर दी थी मैंने। छट्टे की बात करें तो दागी 670 भी बेचा है, 750 भी बेचा है, 850 भी बेचा है, 840 भी बेचा है, 865 भी बेचा है, ठीक है, 870 में दिया नहीं था, ठीक है ना। तो जैसी क्वालिटी है उस हिसाब से आलू बेचे हैं दोस्तों, ख्याति मैंने 865-870 रुपये बेचे थे। तो इसी में ही समझदारी है, अपना आलू को धीरे धीरे करके बेचते रहिए, उसी में भलाई है। और हम सबसे बड़ी चीज़,
सभी अगर स्टॉक को रोक के रख लेंगे तो भविष्य तो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। अगर आलू किसान नहीं बेचने जाएंगे स्टोर पे तो भविष्य किनका खराब करेंगे, अपना खुद का। धीरे धीरे करके अपना निकालिए, चलते रहिए। इस साल दोस्तों आप 2022 मुझे लग रहा है ऐसी साल जाएगी ऐसी कभी नहीं गई होगी, बड़ा अच्छी साल है। और इसी मतलब आज मैं रक्षाबंधन पर इतना बड़ा आप लोगों को मतलब आप जो कहोगे कि कुछ लोगों को मेरी बातें रामायण लगती हैं, पर ऑल ओवर इंडिया के किसानों के लिए दोस्तों 80 साल अच्छी साल है ये। क्यों? क्योंकि खेत पर रेट अच्छी रहे किसानों का, हम महंगा भंडारण हुआ कोल्ड स्टोरों में, महंगा भंडारण होने के बाद व्यापारियों में महंगा खरीद, जितने भी व्यापारी थे जिन पे आलू था उनने सोची कि आलू के रेट अच्छे महंगे रेट में गेट खुले कोल्डों के, कोल्ड स्टोरों में महंगे व्यापारियों ने किसानों ने महंगाई, किसानों के मन में महंगाई रही तो खरीद व्यापारियों ने खरीद महंगे में करनी पड़ी और उसके बाद बिक्री जो मंडियों में गई वहाँ भी महंगाई रही, ठीक है ना। तो पॉजिटिव जो वातावरण है वो हर चीज़ में रहना चाहिए, उसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट आता है हर चीज़ पे। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, बंगाल की, तो बंगाल में भी निकासी अच्छी चल रही है। कल मैंने बंगाल का आप लोगों को वीडियो डाला था, अब बंगाल की निकासी स्पीड पकड़ गई है और धीरे धीरे करके दोस्तों आलू निकल रहा है और बिकता चला जा रहा है। निकासी की बात करें तो निकासी जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से सही चल रही है। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं शर्मा जी, मैं कल मेरे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर, उन्होंने मुझसे कहा कि शर्मा जी मैंने अपना आलू बेच ही नहीं पाया, मेरे आलू के 870 मतलब 925 रुपये लगे, अब मेरे आलू के 850 लग रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखें कि उस दिन जो बानगी निकली होगी, हो सकता है बानगी थोड़ी 19 निकली हो, या उस दिन आपने आलू किस व्यापारी को दिखाया हो, आज उस व्यापारी पर व्यवस्था नहीं हो आगे चल के खरीदने की, या उसको आगे उसकी मंडियों में ऑर्डर नहीं हो, तो ये भी एक कारण हो जाता है दोस्तों। तो तभी तो मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे करके अपना आलू बेचते रहिए। उन्होंने कहा मैंने एक दाना नहीं बेचा, मैंने उनसे कहा तो आप फिर हमारा वीडियो देखना ही बंद करिए, क्योंकि आप समझदारी दिखाई कहाँ आपने, हम तो कह रहे थे धीरे धीरे बेचिए, आपने बेचा ही नहीं आलू, और नहीं बेचा आपका तो जिसमें आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। अब आप कह रहे हो कि शर्मा जी अब क्या करूँ मैं क्या करूँ इसमें, शर्मा जी क्या कर सकते हैं, शर्मा जी आलू बिक्री नहीं किसी की करा सकते हैं, शर्मा जी सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि क्या है आलू के ऊपर। ये भी नहीं होता कि शर्मा जी की राय क्या ऑफिशियल राय थोड़ी हो गई है, मेरी अपने पर्सनल विचार हैं और मैं जानता हूँ इन विचारों के हिसाब से जो किसान चल रहे हैं किसी को घाटा नहीं है और सब लोग फायदे में हैं। बात करेंगे दोस्तों आज कानपुर की, तो कानपुर में भी अगर भाव बताने लायक नहीं है, भाव बताने के लायक नहीं है, बिक्री नहीं है, हल्की फुल्की बिक्री है त्यौहार की वजह से, और भाव वही सेम चल रहे हैं मंडी में, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। बात करें दोस्तों मुंबई मंडी की, हाँ तो मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र में अरावल घट गया मंडी में, उस हिसाब से रेट भी बढ़िया मिल रहे हैं। आज मुंबई मंडी 21 से लेकर 21.5 रुपये 22 रुपये किलो तक भी आलू बिके हैं VVIP हल्की, जो 37.97 है जो UP के हल्की क्वालिटी के बिके हैं दोस्तों 18-19 रुपये किलो, 37.97 गीला वाला बिका है 15 से 18 18.5 रुपये किलो तक, और गुजरात के कल वाले भाव ही हैं, गुजरात और MP के आलूओं के कल वाले भाव ही हैं। पर आज थोड़ा सा महाराष्ट्र की मंडियों में समय करंट है, पूना बिकी है आज दोस्तों 20 से लेके 21 रुपये किलो तक बढ़िया VVIP आलू हल्की क्वालिटी के 18 से लेके 19 रुपये 20 रुपये किलो तक बिके हैं। और गुवाहाटी की बात करें तो बिकी है 20 से लेके 22 रुपये किलो तक 22.5 रुपये किलो तक, और एक आध लॉट 23 रुपये किलो भी बिका है और हल्की क्वालिटी का 20 से 21 रुपये किलो तक बिके हैं दोस्तों। गुवाहाटी मंडी थोड़ी डाउन है डिमांड कम की वजह से, और यही थे दोस्तों आज के भाव। बाकी अपना त्यौहार मनाइए, घेवर खाइए आज खूब बढ़िया यात्रा, और क्योंकि अब त्यौहार का असमंजस है, रक्षाबंधन की भी कुछ कह रहे हैं कल है कुछ कह रहे हैं आज है, तो ये भी एक चक्कर है। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद मेरे किसान साथियों।